यार मैं ही हूँ, मैं तो क्या करूँ, दिल जो मेरा तेरे पास है तो क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। हाँ जी केदार, सत श्री अकाल सर, की हाल चाल है थोड़ा? मैं उम्मीद करता सारे वधिया हो गए, एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल TLU। तो आज असं रिएक्ट करन जा रहे ने JJ47 तरह यूनिट्स दे गाने उते जिदा नाम है शायर, एंड जोखे दी होए ना ईपी, जोखे का ईपी नहीं एल्बम है, नाइन्थ सॉन्ग है, एंड बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी गाने की, नया गाना आया है तो रिएक्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो है, और इसके जो पहले के जितने ट्रैक हैं हमने सब पे अधिकतर रिएक्ट किया हुआ है, तो आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड स्क्रीन पे। और भाई ये जिस तरह से एल्बम जा रही है अब तक, मतलब भाई हर एक ट्रैक इसमें, मैंने पहले मैं बोल चुका हूँ कि बेस्ट एल्बम 2020-21 गाने बता देते कि इतने, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ट्रैक ऐड हुए जा रहा है बिल्कुल। और ये चीज में एक और वहाँ के आर्टिस्ट जिन पे हम कर रहे हैं इल्जाम, जिनकी ईपी चल रही है सैवेज, हाँ, तो मतलब वहाँ पे ये चीज ही शायद चलती है कि एक आप ईपी या एल्बम अनाउंस करो और उसमें टाइम, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक साथ गाने आ जाते हैं ना एक टाइम के बाद, जैसे कोई 3-4 महीने में सारे ट्रैक्स आ जाएंगे बिल्कुल, बट इनका क्या, इनका चलता कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब 6-7 इल्जाम जो थी उसमें मैंने देखा कि उसका जो पहला गाना था वो 8 महीने पहले आया था, 8 या 9, अगर मैं इफ आई एम रॉन्ग आप करेक्ट कर देना कमेंट्स में, बट वो 8 महीने पहले आया था और अभी तक चल रही वो ईपी। तो ये चीज इन लोगों के साथ ये लोग करते हैं ट्रेंड में क्या है। और यार साधा यूनिस, मतलब हम जैसे यहाँ पर है गीता दी मशीन करना औजदा, ये भी कम नहीं बनता भाई, मतलब इनका जो पिछला ट्रैक था क्या नाम था ट्रैक का, कलम, वो इतना बेहतरीन ट्रैक था, उसके लव्स इतने, मतलब क्या बताऊं, बहुत अच्छा था, उसकी म्यूजिक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्या नाम था रिथमेटिक, उसने म्यूजिक उसकी बहुत अच्छी बनाई थी, उसकी भी हमने रिएक्ट किया, आपको स्ट्रीम में मिल जाएगी या तो आपको उस आई बटन में मिल जाएगी। पर प्रीतराज ये तारीफ की बात है, इतना ट्रैक लिखना और भी अच्छे से लिखना, कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी, हाँ, ग्रूव मेरा पे हमने रिएक्ट किया, तो उसमें मैंने बोला था ना ये यंगस्टर्स ऐसे कि हर टाइप के हिसाब से हर मौके के लिए गाना बना बना के इतना जल्दी जल्दी रिलीज कर रहे हैं, वो और ये वीडियो वीडियो पे जाया नहीं करते बस हमें, ये सीधा जो अपना ट्रैक निकालते, इनको पता है इनका ट्रैक इतना वो है। और बाकी यार ये ट्रैक सुना, ट्रैक सुनने से पहले एक और चीज, जो आपने इंट्रो में गाना सुना वो एक आर्टिस्ट है बहुत अच्छा, आयुष राणा उनका गाना है, तो जरूर आप लोग चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और मतलब उसके जो है होपफुली 10,000 भी वो जो है व्यूज क्रॉस हो चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं जो हमारे TLU फैमिली के जो सदस्य हैं अगर वो जाके देखे और वो जाके ये भी लिखे लव फ्रॉम TLU फैम, तो इससे क्या होगा हमको मोटिवेशन मिलेगा। ये है ना यार नए आर्टिस्ट को जितना हम लोग पहले भी बोलते रहते, जैसे कई सैवेज को हमने नहीं सुना, सैवेज भी नहीं, जैसे उमर अंजुम हो गए, और एक और यूनिस ने कलम में जैसे करा यंग आर्टिस्ट के साथ एहसान, तो यार छोटी छोटी चीज अब हम लोग उस लेवल पे तो नहीं कर सकते, बट जितना हम लोग कर सकते उतना तो करना चाहिए नए आर्टिस्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है। प्लीज आप लोग जाके जितना हो सके स्प्रेड करो लव उनके गाने के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत लगती है एक आर्टिस्ट को गाना निकालने में। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, और जरूर अगर जो भी जैसा भी आपको लगे आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, जरूर कमेंट करना, खास करके जरूर देखना और बाकी ट्रैक गाने सुनते शायर। ये बंदे की खासियत है जोके की यार, ये जो स्टार्ट करता है पियानो या तो उससे करता है, स्ट्रिंग से करता है, कॉर्ड जो यूज करता है। लोग मुझे आसरे देते पढ़े लिखे को नाजरे देते मेरा पर मैं उड़ना चाहता पर न समझ मुझे बाजरे देते मेरा पर मैं उड़ना चाहता जीतू और खुद को हरा भी रे लोग मुझे आसरे देते पढ़े लिखे को नाजरे देते बिना पर मैं उड़ना चाहता पर न समझ मुझे बाजरे देते बिना पर मैं उड़ना चाहता, हाँ बिना पर मैं उड़ना चाहता भाई यार। लाइन जैसी, अब इस गाने का नाम ही शायर है और कितना हम लोग बात करते हैं पोएटिक हैं ये लोग अपने स्टाइल में। एक कमेंट भी आया था कि ये लोग कहते हैं कि ये जो रैपर्स हैं रैपर्स कम और शायर ज्यादा है, शायर ज्यादा है, शायर आना बातें मेरी शायर आना नजर देते मेरा पर मैं उड़ना चाहता पर न समझ मुझे बाजरे देते पानी ये राज नहीं रहते सर झुकते मुझे ताज नहीं रहते गिले भी मैं करूँ क्या हमें चूतिए मुझे याद नहीं रहते जो कहनी खरीबा बस गिले भी मैं करूँ क्या, मतलब जो कहते हैं ना गिला शिकवा क्या रखना, कहते हैं मुझे याद ही नहीं रहते इतनी बकवास तुम। हाँ यार मैं अपना गाने पे टाइम जाया करता हूँ तेरी बातों में, गिला क्या करूँ मैं, सही बात भी मैं करूँ क्या हमें चूतिए मुझे याद नहीं रहते दिल में जो कहनी खरीबा बस करने से डरता मैं बड़ी बात
लफ्जी बने मेरी जायदाद तू खाली खाली तेरी कायनात फिर आए याद वो हालात मेरे लोगो जी दे वंश साथ तुम सैयद हो अछूत हो मैं नहीं देखता हूँ जातवार अलग रखता हूँ फर्क रखता हूँ किन पिन हूँ नजर में मैं सब रखता हूँ बीते मानती पना गजब रखता हूँ मैं तो पूरी लिखा रही अलग रखता हूँ लफ्जों में शायद वजन रखता हूँ मैं ऐसी शर्तें भी कब रखता हूँ तुम बोलने को बोलो मैं सब रखता हूँ तुम सब रखो मैं रब रखता हूँ वो तो डरता ब्रो क्या क्या करता ब्रो वो तो तेरी मेरी तरह ही काम सा ही था लड़का ब्रो फिर भी हंसता ब्रो खुद से लड़ाई खुद की लड़ता ब्रो ये चीज तो है ये चीज बहुत अच्छी लगती है छोटी छोटी दुनिया के लिए तो डीटी रहे वो चाहते हराना हम जीते रहे सीखे सलीके बड़े उसी के तरीके बड़े इंडस्ट्री के वो बाकी पीछे पड़े ये चाहते गिराना पर नीचे रहे आते हम जीते गए अच्छा भाई साहब जो पीछे सुना ना वही इसी में रुका मिक्सिंग जो की है बंदे ने भाई जो चौकी की आवाज आ रही है साथ वो तला यूनिस तो भाई एक नंबर और मैं बोल नहीं पा रहा था बीच में कह नहीं पा रहा था यार इस बार पीतरा जोखी का वो नहीं आई आवाज नहीं आई उसने कोई हुक नहीं गाया क्योंकि अभी तक जैसे हमने खाना बदोस सुना तो उसमें मैं देखा हुक रहता था मैं वही चीज मिस कर रहा था जोकी की आवाज बढ़िया अलग है हां जोकी की आवाज है इसका तल्हा ही ने इसका पार्ट एक चीज और बताना भूल गया वो जो ट्रैक नहीं था तो खान खेले राग से तो वो उमेर खान जोके तो उसका जो रियल नेम उमेर खान है ना तो एक उसका भी रेफरेंस था और दूसरा था नुसरत फतेह अली खान उनकी भी बात उन्होंने करी तो राग वो राग से खेलते हैं राग वाला क्योंकि जोके खुद गाना गाता है ना तो राग से जो सुर के साथ खेलता है तो वही थैंक यू यार आप लोग ये छोटी छोटी चीजें शेयर करते हो ना उसी वजह से हमको पता चलता है हमको हाँ आर्टिस्ट के बारे में क्या उसका मकसद है लाइन लिखने के पीछे वो चीजें पता चलती हैं बिल्कुल बिल्कुल तभी मुझे अभी अचानक से याद है ये चीज वो राग वाली हाँ लाइन ये बांस लगाया था यूनिस के पार्ट से उसे करना चाहता क्यों ना करता ब्रो वो तो स्टूडियो को समझ बैठा करता ब्रो बातें हम जीते गए ए वो जीते गए दुनिया के लिए तो डीटी रहे वो चाहते हराना हम जीते रहे सीखे सलीके बड़े उसी के तरीके बड़े इंडस्ट्री के वह बागे पीछे पड़े ये चाहते गिराना पर नीचे रहे बातें हम जीते गए लोगों को जीते गए दुनिया के लिए तो डीटी रहे वो चाहते हराना हम जीते रहे सीखे सलीके बड़े अपनों को पूरे करे सपनों को तोड़ेंगे नहीं कस्बों को कर देता नस्मों को सफर किया चपनों में गिन मेरे कदमों को भरे हम तो सपनों को गिन मेरे अपनों को फेम को लिया नहीं कभी सर पे लड़के जो करते हम छोड़ बैठ करके हम आग जैसे फड़ गए राखों से झलके आंखों के नीचे हल्के ये कागज भी अब घर थे अब मेरे सुधर लेक्स आई वाज द ट्रोल वॉच योर टॉक व्हेन यू टॉक ऑन द कैट द बोन माइक्रोफोन आई एम लिस्ट टू द लिरिक्स वो देखा जो लास्ट वीडियो में बात करी थी ना जो ट्रेंड एल वाला चल रहा है एल और सिक वाला वो चीज भाई लेकिन फ्लो यार जो राइम स्कीम ही लगाता तो है पसंद क्या आती है उर्दू भी है पंजाबी भी हिंदी भी आ जाती है ऊपर से या फिर जो इंग्लिश जो स्विच किया इस बंदे ने और स्पीड है मतलब हर चीज है यार ये वो जो फ्लो स्विच करता है ना ये खासियत है इसकी और हमको पता चल जाता है कि जैसी वो स्पीड है मैंने स्पीड आने पता चल जाता है बिल्कुल इतना सुन चुके हैं इसको जो हमने मिस कर दिए माइक्रोफोन के दो तीन रेफरेंसेस थे कि माइक्रोफोन जला दूं जैसे फाइटर जेट और भी बहुत रेफरेंसेस थे यार
बहुत अच्छा था यार, बहुत सिक यार ये। सीखे सलीके बड़े उसी के तरीके बड़े, इंडस्ट्री क्यों अब आगे पीछे पड़े, ये चाहते गिराना पर नीचे रहे। बातें हम जीते गए लबों को सीते गए, दुनिया के लिए तो डीटी रहे, वो चाहते हराना पीते रहे। सीखे सलीके बड़े उसी के तरीके बड़े, इंडस्ट्री क्यों अब आगे पीछे पड़े, ये चाहते गिराना पर नीचे रहे। जो पीछे बेस भी होगा ना वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया यार। क्या एल्बम बनाई है यार ये जोखे ने, म्यूजिक इतना अच्छा, लिरिक्स इतना अच्छा, और एकदम पोएटिक शायर वाली वो जो बात कहते हैं ना ये लोग कमेंट्स में भी, बहुत लोग कहते हैं कि ये शायर हैं। एक्चुअली अगर आप जाके देखो यूट्यूब पे बोहिमिया के कुछ इंटरव्यूज, अब वही में भी उसी रीजन से आता है, तो उसका भी स्टाइल वैसे ही, वो अपने जो लिरिक्स होते हैं ना उनकी मतलब लिरिक्स की तरह नहीं, वो कई इंटरव्यूज में उसने शायर की तरह मतलब एक पोएम की तरह, पोइट्री की तरह उसने गाए मतलब सुनाए हैं लोगों को कि ये लिरिक्स मैंने ऐसे ऐसे करके सोच के लिखा था, फिर उसको रैप में कन्वर्ट करा। तो मतलब वो शायरी उसने लिखी है ना, रैप का अगर आप देखो, रैप रैप को होता है रिदम एंड पोइट्री, पोइट्री होती है आप उसको रिदम में रखो। और ये जिस तरह से यार तलहा यूनिस करता है लाइक मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एक मैं पॉइंट और हाईलाइट करना चाहता हूँ, इस बार जो मैंने नोटिस किया दोनों के अलग अलग हुक थे, लाइक JJ47 ने अपना एक हुक रखा, उसने अपना अलग हुक रखा, बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर क्या होता है एक ही हुक पे पूरा गाना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मैंने भी पॉइंट देखा था नोटिस किया, ये चीज की दोनों ने अलग अलग हुक रखा, वो अच्छा लगा मुझे भी। मुझे अच्छा लगा वो चीज, वो मुझे ऐसा लग रहा है जो JJ47 ने किया था वो प्री हुक था, क्योंकि उसके बाद फिर तलहा यूनिस हुक के साथ स्टार्ट किया, फिर उसे रैप किया, फिर एंड उसने जो है हुक के साथ किया, क्योंकि मुझे वही उस समय लग रहा था यार कि जेजे वो उमेर खान जोखी की आवाज क्यों नहीं आई, क्योंकि यार हर बार ऐसा होता है इस ट्रैक पे जोखी हमेशा आ जाता है, ज्यादातर ट्रैक्स पे आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अगर मैं ओवरऑल अगर ट्रैक की बात करूं, पता बहुत पसंद है यार ट्रैक, इसके कुछ ट्रैक मुझे बहुत ही अच्छे लगे यार, जैसे बंदिश, मैं अभी तक मैं अभी खूब बता रहा हूँ आपसे, मैं हम लोगों ने रिएक्ट किया उसके बाद भी हम सुनते रहते हैं ट्रैक, बहुत अच्छा यार वाइब वाला गाना है वो, तो बहुत अच्छा बंदिश गाना, सब अच्छे लगते मेरे को तो जितने हमने रिएक्ट किया। मंजर काशी भी अच्छा था यार, कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि क्या इसमें वो बताओ क्या रिव्यू करें, इतना अच्छा ट्रैक रहता है, दिल को छू जाती है बातें इनकी यार बिल्कुल। और कुछ कुछ तो ऐसे रेफरेंसेस होते हैं कि यार जल्दी पकड़ नहीं पाते हम लोग, क्योंकि वो एक फ्लो होता है ना, अब हम चाहते नहीं बीच में रोक रोक के पहली बार सुन रहे हैं, वो फिर पूरा ब्रेकडाउन वाली वीडियो बन जाएगी, तो उसमें कई लोग कहते हैं एंजॉय, गाना भी एंजॉय नहीं कर पाते वो चीज़ है, उसके लिए भी फिर नहीं कर पाएंगे, ब्रेकडाउन के लिए एक दो बार सुनना भी चाहिए, रिसर्च करनी पड़ती है, पॉज भी करना पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए उनको तो शॉर्ट आउट देना चाहते रोहन करिए, यहाँ मान लो वो लोग होमवर्क इतना अच्छा करते हैं, और हम लोग पहली बार सुनते हैं तो जितना हो सके उतनी बातें बता देते हैं, यही चीज है। और आपकी हम फिर से यही चीज बोलना चाहेंगे, आपके जितनी रिक्वेस्ट है जितने सजेशन है जो कमेंट सेक्शन में आप बताते हो, सबसे पहले थैंक यू यार, आप लोग वजह से हमको नॉलेज मिलती है इसके बारे में, जितने भी आप बैक स्टोरी बताते हो, जितनी भी नई गाने की सजेशंस बताते हो, उसके लिए थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग जितना हो सके कोशिश करेंगे सारी वीडियो जल्द से जल्द लाने की, और जो भी चैनल पे नए प्लीज जाके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि 6K सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे तो जल्दी हम लोग और भी चीजें करेंगे यार। जैसे हमने बोला था कि 5K के बाद से हमारे प्रोजेक्ट तो एक दो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए अपडेट के लिए कि क्या नेक्स्ट आने वाला है, और वो मैं बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब ये तो नहीं कि मतलब कि बहुत नई चीज होगी, हाँ बहुत नई चीज नहीं, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होगी, जो लोग इस चीज को पसंद करते हैं ना, स्पेशली म्यूजिक वगैरह को, या जो जिनको रैप से मतलब है, उनको बातें सुनना वो सब पता अच्छा लगता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जल्दी जल्दी रिव्यू करेंगे, बस आप लोगों को ऐसी प्यार चाहिए। और जैसा भाई ने शुरू में बोला था, वो जाके जरूर ट्रैक चेकआउट करना आयुष राणा का, और अगर हो सके कमेंट भी जरूर करना, लव फ्रॉम TLU फैम,
बिल्कुल, तो उससे हमको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी यार, हमारे चलो कुछ है जो भाई जाके देख रहे कुछ है कि दूसरे आर्टिस्ट को, और ये भी नहीं हम जबरदस्ती नहीं कह रहे यार करना ही करना, आपको अगर पसंद आया अच्छा लगे तो करना, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा ट्रैक है, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। तो यही बोलेंगे कि यार अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।